आज मैं बना रही हूँ टमेटो सूप, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो सबसे पहले मैंने इसमें बटर ले लिया है। बटर में गार्लिक और जिंजर हमें ऐड कर देना है। तो बटर, जिंजर, गार्लिक साथ में ही डालना है। बटर को मेल्ट होने का वेट नहीं करना है, वरना जिंजर गार्लिक जल जाता है। साथ के साथ डालो तो एक अलग सा फ्लेवर, अलग सा अरोमा आता है। फिर साथ में मैंने टमाटर डाल दिए हैं। मैंने 4 पीस लिए हैं टमाटर के। आप कम ज़्यादा अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये 4 टमाटर से हम 2 से 3 लोगों के लिए आराम से बना सकते हैं। ये 3 लोगों के लिए बन जाएगा, बट मैं 2 के लिए बना रही हूँ। फिर एक छोटा सा एक टुकड़ा मैंने इसमें बीटरूट का ऐड किया है, ग्रेट कर लिया है इसमें। बीटरूट ऐड करने से ना इसमें बहुत अच्छा कलर आता है, तो ऐड कर देना चाहिए। कलर अच्छा आता है दिखने में, जो चीज़ अच्छी लगेगी तभी तो खाने में कम मन करता है। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो नमक। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें चीनी लिया है, उसको भी मिक्स कर देंगे। टमाटर को हमें बहुत अच्छे से पका लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए। वही चेक कर रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में मैंने इसमें 2.5 कप वाटर ऐड किया है। आप 3 से 3.5 कप कर सकते हो ऐड, मैंने 2.5 कप लिया है पानी। एक दो अच्छे से इसके उबाल आ जाए, उसके बाद में आप इसको छान लो। बस अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करके निकाल लेना है उसको पूरा। और फिर उसमें वापस पैन में मैंने चढ़ा दिया है उसको। फिर उसके अंदर मैंने 1 छोटा चम्मच, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग आप काली मिर्च डाल दो, ब्लैक पेपर, और फिर उसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया। और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें टमाटो केचप ऐड किया है, मेरे पास ख़त्म था तो मैंने पाउच ही उसमें ले लिया। फिर 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया, उसमें ठंडा पानी मिलाना और उसको मिक्स करके आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर लो। डालो, चेक कर लो कि कितना आपको चाहिए थिक, तो उसके अकॉर्डिंग आप और ऐड कर दो। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो, कम चाहिए तो, जैसी आपकी इच्छा। मुझे जैसे चाहिए थी मैंने उतना ऐड कर दिया। दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, सच में बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस एक अच्छे से हल्का सा उबाल आ जाए अच्छा सा, फिर हमें बस उसको सर्व कर लेना है। सो गाइज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ कुक विद कन्नू। और बस तैयार है आपका टमेटो सूप। इसको आप गार्निश करो, ब्रेड क्रम्ब से करो, क्रीम, फ्रेश क्रीम यूज़ में लो। मुझे चीज़ पसंद है तो मैंने उसमें चीज़ ऐड कर दिया है। सो एंजॉय, थैंक यू।